सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। कक्षा एक से चार के लिए प्रगति रिपोर्ट से संबंधित एक नया टैब जारी हो गया है जो हम देखेंगे शाला दर्पण पर। शाला दर्पण को आप यहाँ ओपन कीजिए। ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ नीचे छात्रों के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड एक से चार, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं एक पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो ये कार्ड आपके सामने आ जाएगा जिसमें एक दो और तीन चार पार्ट हैं कुल मिला के। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखिए इसको भरना कैसे है वो जानेंगे हम। तो यहाँ सबसे पहले विद्यार्थी का फ़ोटो आ जाएगा, उसके बाद प्राथमिक कक्षाओं के लिए यहाँ स्तर दे रखा है तो 2021-22 आ जाएगा। और इस जानकारी में विद्यालय का नाम है, डाइस कोड है और NIC कोड है, जो विद्यालय की सामान्य जानकारी है SR और ये। और उसके बाद यहाँ बच्चे से संबंधित कुछ प्रविष्टियाँ दी गई हैं जो आप एंटर करेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जिनको आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। और यहाँ चलें, 8 नंबर बिंदु जो है कार्य दिवस उपस्थिति, 9वें में है उपस्थिति प्रतिशत और 10वां है नियमित अंतराल पर टिप्पणी लिखनी है। और 11वां टॉपिक है समेकित टिप्पणी एवं फीडबैक। ये तो था फ्रंट का पार्ट जो बहुत ही कॉमन था और सभी शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से भरा भी जा रहा है प्रतिवर्ष। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। अब ये जो पार्ट है हम देखेंगे इसके बैक साइड में, तो यहाँ देखिएगा आधार रेखा पद स्थापन मूल्यांकन के प्राप्त कक्षा स्तर बताना है बच्चों का, वो आप इसे फिल करेंगे। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि SA1 और SA3 का जो पार्ट आ रहा है जो इस तरफ दे रखा है, तो देखिए अब तक हमारे इस वर्ष में SA1 SA2 और SA3 नहीं हुए हैं। इसके बजाय प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है कुल 100 अंक की। तो इससे संबंधित जो है SA1 2 और 3 से संबंधित कोई आदेश विभाग द्वारा आ जाएगा, उसके बाद आपको ये एंट्रीज करनी है, इससे पहले आप मत कीजिएगा। और इसके अलावा इससे संबंधित कोई नया आदेश आता है तो आपको बता दिया जाएगा। जितना आपसे भरा जाए ये SA1 2 और 3 को छोड़ के बाकी डिटेल आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और जैसे ही नया आदेश आता है आपको बता दिया जाएगा। वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करें, जो चैनल्स पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये PDF आप Telegram ID से ले लीजिएगा। धन्यवाद।